एक्सप्रेस वे पर हो रहा जादुई कारनामा। दूध के टैंकर में लाखों की शराब बरामद। कन्नौज में दूध के कंटेनर दिखाकर की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बरामद की 7 लाख की अवैध शराब। पुलिस की कार्रवाई में एक हुआ गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। वहीं कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने इसे बड़ी सफलता बताया है। सूचना पर टैंकर को चेक किया गया तो हरियाणा व बिहार की अवैध शराब देख पुलिस दंग रह गई। एक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं 2 मौका पाकर फरार हो गए। कन्नौज पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर उसे खाली कराया तो 200 पेटी शराब निकली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। बताया गया कि टैंकर पर जो नंबर था वह फर्जी है। ये सटीक मुखबिरी के आधार पे कल एक्सप्रेस वे पे एक टाटा 407 है जो टैंकर के रूप में मॉडिफाइड है, उसको हम लोगों ने सीज किया और उसमें एक मनीष नाम का आदमी है, गोरखपुर का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया गया। चालक है ये। टैंकर में 200 पेटी हरियाणा की शराब थी और इसको लेकर के ये बेचने के लिए बिहार ले जा रहे थे। इनसे पूछताछ हुई है और इसमें पता लगा है कि पहले भी ये काम कर चुका है, तो ये सिवान ले जा करके इसको बेचते थे। और जो खास बात इसमें है, इसका मॉडस ऑपरेंडी कि जो टैंकर है उसमें पीछे की ओर मिल्क लिखा हुआ है और उसका जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है उसमें एक इसने सब कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसमें कि 15-20 लीटर दूध डाल देते हैं सफ़ेद जैसा, और कहीं पे वाहन चेक होगा तो उसमें एक पाइप लगी हुई है जिससे वो निकाल करके दिखा देते हैं कि ये मिल्क वैन है और इसमें दूध लगा हुआ है। लेकिन जो टैंकर के अंदर का हिस्सा है उसमें ये जो अवैध शराब है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं,